सर, ये टर्की का जो बेसिक इंटेंट है वो क्या है, खासकर ये देखते हुए कि ये इतना बड़ा मुल्क नहीं है कि रशिया को भी हेड ऑन ले ले और अमेरिका को भी, लेकिन वो इस तरीके की धमकी दे रहा है, नेटो खुद से परेशान है। व्हाट इज द इंटेंट ऑफ एर्दोगन सर? देखिए, टर्की अब कमाल अतातुर्क का टर्की नहीं रहा है, वो अब सेकुलर टर्की नहीं रहा है और वो एक बहुत इस्लामिक स्टेट होता जा रहा है। और प्रेसिडेंट अर्दोगान को अब ये मुगालता है कि ऑटोमान एम्पायर को वापस लाया जाए और जितना पहले इन्फ्लुएंस था पूरे अरब पेनिनसुला पर था और काफ़ी था, उस तरफ पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को वापस ले जाए और तुर्की उसको लीड करे। तो एक कहीं ना कहीं देखिए, जहाँ भी मुसलमानों का किसी भी, जैसे कश्मीर के ऊपर वो बातचीत करते हैं, अब ये इसके ऊपर बात कर रहे हैं, अजरबैजान को वो भड़का रहे हैं, नहीं तो अजरबैजान और आर्मेनिया का झगड़ा तो देखिए पिछले 70 साल से चल रहा है और उसको किसी तरह कंटेन किया गया हुआ था, पर क्योंकि अजरबैजान को टर्की इस समय भड़का रहा है तो इसने इतना बड़ा रूप ले लिया है और आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध की स्थिति आ गई है। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, ये बड़ा ज़रूरी है कि यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया मिलकर आपस में कार्रवाई करें, काम करें। ये एक बहुत ही दुख की बात है कि ये दोनों बड़े देश हैं और भारत के मित्र हैं, पर आपस में मिलकर वो काम करने की स्थिति में नहीं है। और ये भी एक चीज़ है जिसको दुनिया को देखना चाहिए। अब देखिए, नाटो में तो रहने का टर्की का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि नाटो तो एक जो उसका पूरा एक फिलसफा है और टर्की उसके अगेंस्ट जा रहा है। Absolutely. तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे टर्की आइसोलेट तो हो रहा है लिबरल्स की नज़र में, डेमोक्रेसी की नज़र में, पर इस्लामिक जो रेडिकल लोग हैं उसमें वो अपनी लीडरशिप स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है।